मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओपन इट हरी अप सो क्वेश्चन नंबर 8 वी आर टू डू टुडे A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक हमारे सेवेंथ में कुछ नहीं है बेटे सुन ले एक गडाउन में कितने वुडन क्रेट्स आते हैं ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ गडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट ये जो ऊपर वॉल्यूम गिवन है ना आपको इधर देख बुक में बुक है 40 × 25 × 15 ऐसे करना है तूने इधर देख नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू 40 × 25 × 15 डिवाइडेड बाय 1.5 × 1.25 × 0.5 कैंसिलेशन करके जो आंसर आएगा वो डेसिमल हटाकर डेसिमल हटाने नहीं आए तो नित्या से पूछ लेना ठीक है देयर इज अ डस्टर डस्टर ऑफ योर क्लास कबर्ड में रख दिया कहाँ है उठाओ नाउ सी बेटा प्लीज कीप क्वाइट देयर इज अ बिगर क्यूब एक बहुत बड़ा क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर We are having a big cube. उस क्यूब से हमने it is divided into small 8 cubes. एक बहुत बड़ा suppose करो candle आपके पास in cubical form. उसको हमने melt किया और उससे हमने क्या बनाना है? एक मिनट को जरा question क्या कहता है? It is cut into 8 cubes of equal volume. उसी से हमने 8 क्यूब्स बनाने हैं जिसका वॉल्यूम क्या हो सेम इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब्स यस और नो एक बहुत बड़ी कैंडल है उसको हमने कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं ठीक है सो व्हाट वी विल डू वॉल्यूम ऑफ इधर लिखना नहीं है बिगर is equal to volume of 8 smaller cubes. Fine? ये समझ आ गया सबको? हमने निकालना क्या है बेटा? Ratio of their surface areas. Ratio of their surface area. पहले हमारे पास लिखा है bigger cube. तो bigger cube का surface area of cube is what? 4. अरे cube. 4a square. बड़े वाले क्यूब का हमें साइड पता है 12 बट वी डोंट नो द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स जो छोटे छोटे 8 क्यूब बने हैं उसका हमें साइड नहीं पता दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट वी विल डू हु विल टेल आई हैव रिटन दिस ऑन द बोर्ड वी विल डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब बाय 8 सो वी विल आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब उससे हम साइड निकालेंगे लिखना शुरू करो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 साइड ऑफ बिगर क्यूब इसको कैपिटल ए मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज ए क्यूब दैट इज 12 × 115 हाँ वो 6 का क्यूब होता है अच्छा नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू लिख नहीं रहे आप लिखा हुआ पहले पार्टीशन पे आते हैं तुम्हें ये समझ ठीक
वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय 8 बाय 8 बिकॉज द बिग क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स सो 12 इनटू 12 इनटू 12 ओवर 8 4 3s आर 12 4 2s आर 8 2 6 आर 12 व्हाट वी आर लेफ्ट 12 इनटू 18 एंड ही इज सेइंग इट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब नाउ सी हियर वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब कैन नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब अगर बिग क्यूब का साइड हमने ए लिया है स्मॉलर क्यूब का साइड हम क्या ले लेंगे ए क्यूब इज 216 ए क्यूब इज 6 क्यूब दिस इंप्लाइज ए इज 6 सेंटीमीटर इज इट क्लियर टू एवरीवन अरविंद समझ आया इज द बोर्ड विजिबल टू एवरीवन हु इज सेइंग नो खड़े होके देखो फिर सक्षम डाइस नहीं हिल सकता आगे आ जा परन कमेंट विद दिव्यांशी जहां तेरा दिल करता बैठ जा नाउ बेटा यहाँ इतना ही किया है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो व्हाई हैव यू स्टार्टेड टॉकिंग बच्चे बोलना नहीं है लिखते लिखते उसके बाद बच्चे रिक्वायर्ड रेशियो इज सरफेस एरिया ऑफ व्हाई बिगर क्यूब वी आर राइटिंग इन द न्यूमरेटर बिकॉज उन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया तो ऊपर कौन सा लिखना है जो पहले लिखा है पहले कौन सा लिखा है बिगर वाला फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर क्यूब ये देना रेणुका परनूर डन ये थ्रो करके नया भर लाओ परसों का भरा हुआ आज डे बिफोर यस्टरडे आई फॉरगॉट टू टेक एट होम सो टुडे आल्सो आई विल नॉट गेट द टाइम इन द स्कूल आई विल टेक एट होम एंड ऑन मंडे पक्का 100% आई विल गिव व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल ना फिर याद आया मेरे को हॉट टेस्ट रह गए फिर मैं वापस नहीं आई मंडे को दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यस धीरेन हाँ जी बेटा बोलो मैम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 ए स्क्वायर नहीं होता कब कहा तुमने ये होता है कर्व सरफेस एरिया ठीक है कर्व सरफेस एरिया है 6 बट फिर भी नंबर कटेंगे ना अगर आपने सरफेस एरिया को 4 ए स्क्वायर ले लिया तो वहां हाफ मार्क्स कटेगा आपका
साहिल बेटा बहुत बात करते हो। A river 3 meter deep. Next question. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? बोलो। जो एक मीटर वॉल्यूम Now see beta. 3 meter deep, it means height of the river, एक river है, ठीक है, उसकी depth कितनी है 3 meter, wide, जो उसकी width है, वो कितनी है 40 meter, and it is flowing at the rate of ₹2 km/h, इधर देखिए, जैसे मान लो, ये हमारा एक river है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम bridge से cross करते हैं, हमें ऐसे river दिखता है, river की ये क्या है, width, 40 meter, और 3 meter क्या है उसकी डेप्थ कितनी कितना वो गहरा है दैट इज द डेप्थ एंड विजिबली हम क्या देखते हैं कि ऐसे पानी ये सारा बह रहा है तो ये जो जितना जितनी दूर तक पानी बह रहा है ये क्या है लेंथ हाइट तो गहरा कितना है वो होती है लेंथ कितनी है 2 km/h मींस द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h 1 hour में वाटर मान लो यहाँ पे बंद है यहाँ पर वो जो डैम्स हैं जैसे डैम को खोला वो उनके डोर्स को खोला वाटर स्टार्ट फ्लोइंग इन 1 hour वाटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 किलोमीटर दैट इज 2000 meter सो दैट इज व्हाट दैट इज द लेंथ ऑफ द दैट रिवर लेंथ ऑफ दैट रिवर जितना पानी 1 hour में फ्लो करेगा विड्थ और डेप्थ तो सेम रहेगी विड्थ और डेप्थ तो सेम रहेगी कि नहीं यहां से एक रिवर है ठीक है उसकी बाउंड्री बनाई हुई है विड्थ कितना वो गहरा है और कितनी उसकी विड्थ है वो सेम रहेगी फिर वो पानी बह रहा है रिवर से आगे जा जाके उसने एक सी में फॉल होना सो क्वेश्चन हमारा है हाउ मच वाटर विल सी फॉल इन टू द सी इन 1 मिनट 1 मिनट में सी में कितना पानी जाएगा ठीक है सो नाउ रिवर में कितना पानी है उसी के हिसाब से इट विल फॉल इनटू द सी एंड द वाटर इन द रिवर इज व्हाट इट इज इट्स वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द रिवर वॉल्यूम ऑफ द रिवर और रिवर की लेंथ गिवन है आपको हाइट गिवन है ऑल द थ्री डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट इट मींस द रिवर इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड सो लेंथ गिवन है ब्रेथ गिवन है हाइट को हमने 2 किलोमीटर/h 2 किलोमीटर/h means that 2 किलोमीटर is the length of the river. उसको मीटर में चेंज करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे. अगर आप that is volume of the water flowing in 1 hour. Why 1 hour? क्योंकि जो हमने लेंथ ली है 2000 meter वो हमने आवर्स के हिसाब से ली है. फिर हमने बताना है the volume of the water fall into the sea in 1 minute. तो 1 minute के लिए निकालना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि लेंथ को हमने 2000 कैसे लिया है ठीक है राइट डाउन हाय मैंने सारा क्वेश्चन तो समझा दिया आयुग दोबारा समझाऊंगी बोलते बोलते ये करते करते ठीक है नाउ हाइट इज 3 meter ब्रेथ इज 40 meter लेंथ इज 2 किलोमीटर दैट इज 2000 meters. Now, volume of water, flowing in 1 hour is equal to volume of cuboid. That is L into B into H. ये लिखना जरूरी नहीं है सीधा L into B into H भी लिख सकते हो ठीक है Then 2000 into 40 into 3 4 3 is 12 2 is 24
1, 2, 3, 4 22,40,000 meter cube. Now volume of water flowing in 1 minute. Yes. Hurry up, note down. फटाफट से बेंच वेकेंट बेंच ऑक्यूपाई कर लो मैम आगे कवर नोट जल्दी अपरन ये जल्दी रिद्धि का लास्ट बेंच दिव्या आप भी लास्ट बेंच नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6 यस हरि अप करें स्टार्ट The circumference of the base of the cylinder is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? Now there is a cylindrical vessel. We have a cylindrical vessel and we have to see how much water that cylindrical vessel can hold. So it means we have to find its volume. तो बेटा पहले मैंने जब क्वेश्चन समझाना है तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगी कि हमने उस क्वेश्चन में निकालना क्या है ठीक है ना तो पहले वो बात करेंगे कि पहले रेडियस पे पहुंच जाए रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, है, है. क्योंकि यहाँ पर हमें अगर हमें लिखा होता सपोज सर्कमफ्रेंस दिया हो और हाइट दिया हो और कर्व सरफेस एरिया निकालना हो फिर ना अलग से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं होती बिकॉज़ द कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच और 2 पाई आर गिवन है सीधा वो वैल्यू ले लेते हैं ठीक है चलो एनीवेज नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल ये सिलेंडर है इसका जो बेस है वो कैसा है कैसा है पहले क्या बोले इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर सो वी विल राइट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर We know circumference of circle is 2 pi r. Yes? तो वहां दिक्कत थी कवर नोट माँ वापिस चलो बेटे करना इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट राइट इफ वी हैव बीन गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू फॉलो otherwise I want to be pointed out and that too because of you people so 2 into 22 by 7 so we will find the radius 7 upper 2 into 22 niche radius aa gaya 21 meter centimeter theek hai हाइट गिवन है बेटा नाउ हाइट इज 25 सेंटीमीटर हमसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज पाई आर स्क्वायर एच This is
whatever you will get, it will be the volume in centimeter cube. It will be in centimeter cube. 34650 centimeter cube. But in our question, it is written, how many liters of water? तो आपने बेटा किया था आपको जब 1 meter cube is equal to 1 liter is equal to ऐसे याद रखना आपने 1 meter cube is equal to 1000 liter और ऐसे याद रख सकते हो कि मीटर क्यूब अगर 1000 liter था तो 1000 centimeter cube is equal to 1 liter ये एक ही बात है. It means if we have to convert centimeter cube into liters, what we have to do? Divide by 1000. So 34650 divided by 1000, it will be 34.65 liters. Any doubt? Next question number 2. कहाँ थे? आठ रूम? Done. Next question. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is this. The length of the pipe is this. Find the mass of the pipe if 1 centimeter of cube of wood has a mass of 0.6 gram. अब हमने इसमें क्या find करना है? सुनो ध्यान से question. इसमें बेटा हमारे पास एक pipe है. पाइप किस फॉर्म में होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में. वुड वुड की पाइप देखी है ना, वो बांस होते हैं अंदर से खाली होते हैं जो. वो कहते हैं कि कितना वुड लगेगा ऐसी एक पाइप बनानी है जिसका बाहर का मान लो जैसे मान लो ये हमारी वुडन की पाइप है छोटी पाइप ठीक है लेंथ इसकी इतनी है. ये कितना मटीरियल यूज होएगा कितना मटीरियल यूज होगा उसके लिए जितना इसका आउटर वॉल्यूम है पूरा आउटर वॉल्यूम और एक इसका अंदर का वॉल्यूम है बाहर वाले वॉल्यूम में से मतलब पूरा ये पूरा इसमें कितना आ सकता है ठीक है बाहर वाले वॉल्यूम में अनथिकनेस ना हो. अगर थिकनेस को हम हटा दें तो ज्यादा सामान आएगा अगर उसकी कोई थिकनेस है तो अंदर कम सामान आएगा ठीक है. वुड समझ आ रही है मेरी बात. तो अगर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? मास ऑफ द वुडन पाइप. मास ऑफ द वुडन मतलब कितनी कितनी वुड बच गई. वुड कैसे निकालनी है? वो पाइप जो है वो कितनी वुड का बना हुआ है वो कैसे निकलेगा? बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाली जो खाली जगह वॉल्यूम है सारा अंदर वाला जितना सारा वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे सिर्फ वो खोखा बच जाएगा हमारे पास जो वुड कितना वुड लगेगा. समझ आई? इज द क्वेश्चन क्लियर? अब ये वो सरफेस एरिया का था ये हमने उसमें हमने बताना था कि कितनी कि हमने कोई एक सिलेंडर बनाना है सपोज तो उसके लिए हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए. तो हमने क्या किया था कि पूरे बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस किया था तो पता चल गया था कि कितना हमें ये रिक्वायर्ड है. अब हमने क्या निकालना है? इसका मास. मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज मास? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी मींस वेट. तो मास निकालने के लिए बेटा वेट उन्होंने दिया है कि 1 centimeter cube वुड का वेट कितना है? 0.6 gram. हमने बताना है कि जितनी वुड यूज हुई है उसका वेट कितना है उसका मास कितना है मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो इस उसके लिए कि वो कितनी भारी है वुड अगर तो कितनी वुड होती उसके लिए हम सरफेस एरिया की बात करते.
अब हमने बताना है व्हाट इज द मास ऑफ दैट वुड. मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप. पाइप इज हॉलो राइट. तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकलेगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. फिर जो वॉल्यूम आएगा उसको हमने वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना. वी विल गेट दी. इज इट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम लिखेंगे इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच. इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर. सो इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर 26. सो आउटर रेडियस 27 एंड हाइट इज गिवन 35 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम पाई कैपिटल. नाउ हाइट ऑफ द पाइप इज सेम, ओनली द रेडियस इज डिफरेंट. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. पाई एच वी कैन टेक कॉमन. वी आर लेफ्ट विथ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो नाउ पाई की वैल्यू कुछ नहीं लिखी तो वी विल टेक 22/7 इनटू 35 कैपिटल आर 12 स्क्वायर सॉरी 14 स्क्वायर माइनस 12. लुक हियर, ये 7 5s आर 5 2s आर 10 110 इनटू दिस इज व्हाट इज इट इजंट इट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप सीधा 196 माइनस 144 भी कर सकते हो. 14 स्क्वायर इज 196 एंड 12 स्क्वायर इज 144. सीधा कर दें या आप ऐसे भी कर सकते हो. मान लो बड़े नंबर आ जाएंगे इसी क्वेश्चन में तो a माइनस बी ए प्लस बी. 14 प्लस 12 14 माइनस 12 यहाँ सीधा हो जाएगा 196 माइनस 110 इंटू 2 9 माइनस 4 5. कितना आया अभी? This is the volume. Now, mass of one centimeter cube wood is 0.6 gram. Mass of, हाँ जी बेटा, अच्छा ठीक. यहाँ इसका बता दो. 5720 सेंटीमीटर. यहां लिख दूं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज 0.6 ग्राम. थ्री फोर थ्री टू ग्राम केजी में कहाँ लिखा है? नहीं लिखा. नहीं तो तुम मेरे जो कैलकुलेशन बता दो भाई. सही है ये? दिस इज योर विश इधर टू बट नो नीड. इफ इट इज नॉट आर देन व्हाई टू कन्वर्ट इनटू केजी. कर दो डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो केजी में आ जाएगा. इट इज योर विश. हो गया, खत्म हो गई है बात. लिख गए अटेंडेंस अटेंडेंस. बाकी फिर नाउ विल कंटिन्यू ऑन मंडे.
मैंने वही बोला ना, जरूरी नहीं है। क्या होता है जो मास है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केजी। तो यूजुअली एनसीईआरटी वाले जो बुक वाले वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर देते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है। आर्यन, धीरेन, इकजोत, ज्योति, परमीत, ऋतिक कपूर, सुदीक्षा, सुमति, नहीं भी बैठा रहता सारा दिन हरनूर, वही बैठा रहा सारा दिन फर्स्ट बेंच। So any doubt to anyone? All right, students. See you on Monday now. Take care.